हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ई लर्निंग क्लास ऑफ सेंट माइकल्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, अर्लियर वी हैव स्टडीड दैट व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स आर कंबाइंड इन सच अ वे दैट वन एंड ऑफ ऑल रेजिस्टर्स ज्वाइन टुगेदर एंड अदर एंड्स ऑफ ऑल रेजिस्टर्स ज्वाइन टुगेदर। So this type of combination is called parallel combination of resistors, like this. And here in this diagram, we are seeing that there are three resistors, R1 having resistance R1, R2 and R3. And all ends of, one ends of these resistors are combined together and joined to point X. And other ends of these resistors are combined together and joins to point Y. And these three resistors are between two points of this circuit. Let students, current I is flowing through this circuit, and this circuit contains cells and battery. It means that the resistors are joined in parallel with a combination of cells or a battery. So what will be the electric current for these three resistors? What will be the value of current for three resistors which are combined in parallel? And what will be the potential difference for these three resistors? And also what will be the equivalent resistance for this combination of resistors? So let us know. Students, when current I flows through this circuit, then students, since we know electric current is a flow of charges, so when electric current flows through this circuit, it means that charges are flowing through this circuit, and when charges comes to the point X, then there are three paths, there are three resistors. So these resistors charges can flow, so charges will divide here in three parts. Students, jab charges yahan pe aayenge point X pe, to unko jaane ka teen rasta hai, un charges ka flow karne ka teen rasta hai. एक तो रेजिस्टर्स जिसका रेजिस्टेंस R1 है, फिर दूसरा R2 है, फिर तीसरा R3 है. तो इन तीनों रेजिस्टर्स से इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं. जैसे बहुत अधिक भीड़ है और वहां पे तीन रास्ते हैं जाने के, तो क्या होगा, लोग जो है, भीड़ जो है वो डिवाइड हो जाएगा और कुछ लोग पहले रास्ते से जाएंगे, कुछ दूसरे रास्ते से जाएंगे और कुछ तीसरे रास्ते से जाएंगे. फिर उसके बाद से एक रास्ता है निकलने का, तो फिर सारे लोग वहां पे इकट्ठा हो जाएंगे और एक ही रास्ते से निकलेंगे. तो वैसे ही सेम सिचुएशन यहाँ पे है. यहाँ पे क्या है, चार्जेस हैं और चार्जेस क्या होंगे, तीनों में डिवाइड हो जाएंगे, तीनों रजिस्टर में चार्जेस डिवाइड हो जाएंगे. कुछ चार्जेस फर्स्ट रजिस्टर से फ्लो करेंगे, कुछ चार्जेस सेकेंड रजिस्टर से फ्लो करेंगे और कुछ चार्जेस थर्ड रजिस्टर से पास करेंगे. तो कुछ चार्जेस जो फर्स्ट रजिस्टर से पास करेंगे, जिसका रेजिस्टेंस R1 है, उसके लिए I का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा. फिर दूसरा रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R2 है, वहां से भी कुछ चार्जेस फ्लो करेंगे, तो इसलिए उसका जो इलेक्ट्रिक करंट आई होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, पहले वाले से डिफरेंट होगा. फिर क्या होगा, कुछ चार्जेस जो है थर्ड रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R3 है, वहां से पास करेंगे, क्योंकि सबका रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का भी क्या हो जाएगा, वैल्यू अलग अलग हो जाएगा. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट आई होगा, उसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा. और फिर ये चार्जेस जो है फ्लो करके फिर इस पॉइंट वाई पे आएंगे,
यहाँ से ये फ्लो होते हुए फिर पॉइंट वाई पे आएगा, या फिर यहाँ का जो चार्जेस है पॉइंट वाई पे आएगा, फिर यहाँ का जो चार्जेस है फ्लो करते हुए पॉइंट वाई पे आएगा, और सारे चार्जेस इकट्ठा हो जाएंगे, इकट्ठा होके कलेक्ट होंगे, कलेक्ट होके फिर वो क्या करेंगे पॉइंट वाई से होते हुए फिर इस सर्किट में फ्लो करेंगे। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जो चार्जेस है, जो इलेक्ट्रिक करेंट है, पॉइंट एक्स तक पहुंच रहा है, और उस पॉइंट एक्स और वाई के बीच में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है। तो पॉइंट एक्स पे चार्जेस जाकर डिवाइड हो जा रहे हैं, जितने भी रेजिस्टर्स यहाँ पे होंगे सब में चार्जेस क्या होंगे, डिवाइड होंगे, इलेक्ट्रिक करंट आई जो है डिवाइड हो जाएगा, और सभी रेजिस्टर्स के लिए इलेक्ट्रिक करंट आई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। फिर जब ये पॉइंट वाई पे आएंगे फ्लो करके, तो फिर यहाँ पे सारे चार्जेस कंबाइंड हो जाएंगे, सारे इलेक्ट्रिक करंट क्या होंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, और उनका वैल्यू जो है फिर से आई हो जाएगा। तो इस तरह से यहां से हमने ये कंक्लूड किया कि द टोटल करंट आई इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेपरेट करंट्स थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द कॉम्बिनेशन, दैट इज आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। ये सेपरेट कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का प्रत्येक ब्रांच है, तो प्रत्येक ब्रांच से जो इलेक्ट्रिक करंट आई गुजरेगा उसका जो सम है इलेक्ट्रिक करंट आई के बराबर ही होगा जो इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो इस तरह से प्रत्येक रेजिस्टर के लिए इलेक्ट्रिक करंट आई का वैल्यू क्या होगा, सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा प्रत्येक रेजिस्टर्स के लिए जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। स्टूडेंट्स, सिंस हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज अ वर्क डन टू मूव यूनिट चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि ये जो रेजिस्टर्स हैं तीनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और इनके बीच दो पॉइंट्स के बीच तीनों कनेक्टेड है, पॉइंट्स एक्स एंड पॉइंट वाई के बीच में तीनों रेजिस्टर कनेक्टेड है। सो ये रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस आर वन है वो जितना वर्क कर रहा है यूनिट चार्ज को पॉइंट एक्स से वाई तक लाने में, उतना ही वर्क ये रेजिस्टर कर रहा है जिसका रेजिस्टेंस आर टू है पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई तक चार्जेस को लाने में, वैसे ही उतना ही वर्क सेम वर्क आर थ्री भी कर रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यूनिट चार्जेस को पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई तक लाने में तीनों रेजिस्टर्स के द्वारा किया गया वर्क क्या है, सेम हो रहा है, क्योंकि तीनों जो है एक ही काम कर रहे हैं और एक ही पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्जेस को फ्लो करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं। तो इस तरह से तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टर्स होते हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है, सेम होता है। अब हम ये जानेंगे कि जब तीनों रेजिस्टर्स के लिए एक हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी तीन, जैसे यहाँ पे तीन है, अगर तीन से ज्यादा होते हैं तो सब जितने भी रेजिस्टर्स होंगे सबके रेजिस्टेंस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि सबका रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग है, जैसे आर वन आर टू और आर थ्री, प्रत्येक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो इन सभी रेजिस्टर्स के लिए, ये कॉम्बिनेशन एक सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स है, इसके लिए हम क्या करें, अगर एक रेजिस्टर लगाएं जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो, आरपी हो, आरपी उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो, तो वो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी होगा उसका वैल्यू क्या होगा। Let RP be the equivalent resistance of the parallel combination of resistors by applying Ohm's law to the parallel combination of resistors. We have I equals to V by RP. Students, चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो कर रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है इस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के लिए क्या है, भी है, सेम ही है। और अभी हम लोगों ने माना है कि इस सिस्टम ऑफ इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर लगा रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आरपी है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आरपी हुआ, इलेक्ट्रिक करंट आई हुआ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी हुआ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ
we know V equals to IR. So I equals to V by RP. On applying Ohm's law to each resistor. अभी तो हमने Ohm's law लगाया पूरे सर्किट पे, अब हम प्रत्येक रेजिस्टर के लिए क्या कर रहे हैं, Ohm's law अप्लाई कर रहे हैं। तो चूंकि हम देख रहे हैं इसके लिए जो रेजिस्टेंस क्या है, फर्स्ट रेजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस R1 है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा इसके लिए I1 होगा, इसके लिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा I2 होगा और इसके लिए इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा I3 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट भी अलग अलग है, रेजिस्टेंस भी अलग अलग है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, तीनों का सेम है। तो फर्स्ट रेजिस्टर के लिए जब हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, I1 equals to V by R1। फिर सेकंड रेजिस्टर के लिए I2 equals to क्या हो जाएगा, V by R2, क्योंकि सेकंड का रेजिस्टेंस क्या है R2 है और पोटेंशियल डिफरेंस V है और इसमें फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट क्या है I2 है। वैसे ही रेजिस्टर 3 के लिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है I3 है और पोटेंशियल डिफरेंस V है और रेजिस्टेंस क्या है R3 है। सो I3 equals to V by R3। अब जब तीनों को हम ऐड करेंगे यानी I1 plus I2 plus I3, so I1 plus I2 plus I3 equals to V by R1 plus V by R2 plus V by R3। और यहां पे हम लोग जानते हैं कि जो I1 plus I2 plus I3 जो होता है वो क्या होता है, I के इक्वल होता है। सो यहां पे हम I1 plus I2 plus I3 equals to क्या लिख सकते हैं I, क्योंकि तीनों करंट जो है एक साथ मिलकर यहां पे आते हैं और ये फिर करंट I बन जाते हैं। और यहां से हम क्या कर सकते हैं, V कॉमन ले सकते हैं, फिर हमें मिलेगा 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। And there is a, what is the value of I for this circuit? For this circuit, value of I equals to V by RP. So we will put here V by RP on the place of I. And V, V will cancel. And we will finally get 1 by RP equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. It means that reciprocal of equivalent resistance equals to sum of the reciprocal of individual resistance. What? Reciprocal of equivalent resistance equals to sum of reciprocal of individual resistance. Are you understanding, students? Students, यहाँ पे जो equivalent resistance होगा, उसका reciprocal बाकी जितने भी resistors हैं, सबके resistance के reciprocal का sum होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं students कि जब रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो वहां पे प्रत्येक रेजिस्टर्स का जो इलेक्ट्रिक करंट आई होगा वो अलग अलग होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा और उसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा उसका रेसिप्रोकल प्रत्येक रेजिस्टर के रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल का क्या होगा, सम होगा।